सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो एकदम, और रिमूव हो जाएगा आपका जितना भी सारा डेटा, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, जो कुछ भी है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने गलती से इंस्टाग्राम पर दो अकाउंट ओपन कर लिया है और अभी आप एक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, और ऐसा भी होता है कि आपका एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पर और इस पर आप कुछ भी कांड वांड कर दिया है और अभी आप उस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, पर यहाँ पर सेटिंग पर आकर भी यहाँ पर कोई भी डिलीट का ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर अकाउंट अकाउंट जहाँ पर भी जाओगे कहीं पर आप लोगों को डिलीट अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ कैसे आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोगों को आना है। आने के बाद बहुत सारा सेटिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है हेल्प का, इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा, पर यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है हेल्प सेंटर का, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वेब पेज पर इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, आपका क्रोम, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, जो कुछ भी है आपका फ़ोन में उस पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वेब पेज पर इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है, हेल्प डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शंस दिखाई देगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है मैनेजिंग योर अकाउंट का, इस ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो आ चुका है डिलीट योर अकाउंट का, पर यहाँ पर वीडियो को आप स्किप मत करना क्योंकि इस पर अगर आप क्लिक करते हो फिर भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते हो। अब बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। तो यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीन ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है यह है टेम्पररीली आप आपका अकाउंट को डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी हुआ है टेम्पररीली डिसेबल माई अकाउंट। और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। और यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पे आप रिव्यू कर सकते हो आपका जो भी डेटा वेटा है इंस्टाग्राम पर वो किसके किसके पास है और कौन कौन सा डेटा है वो आप इंस्टाग्राम पर मेल के थ्रू चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है तो सिंपली इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप लोगों को आना है, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा आर्टिकल आपके सामने दिख जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल पर जो ऑप्शन है आप लोग देख सकते हो डिलीट योर अकाउंट का, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो भी ईमेल आईडी है और पासवर्ड है इंस्टाग्राम का वो यहाँ पर टाइप करके लॉगिन करना है। मेरा यहाँ पर फेसबुक से मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद फेसबुक करता हूँ। अगर आपका भी फेसबुक से है तो फेसबुक पर क्लिक करके आपका जो भी फेसबुक है उसके आप लोगों को लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका यूजर नेम यहाँ पर देख सकते हो शो हो जाएगा, और ऊपर देख सकते हो मेरा फोन में ईमेल भी आ चुका है इंस्टाग्राम की तरफ से। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है सिंपली इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शंस आप लोगों को आ जाएगा। आपको एक रीज़न देना है क्यों आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, बस लास्ट में जो ऑप्शन है समथिंग एल्स इसको आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को वहाँ पर टाइप करना होता है क्या आपका रीज़न है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, टू बिजी टू डिस्ट्रैक्टिंग मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा फिर से आर्टिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे देख सकते हो री एंटर योर पासवर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप लोगों को आपका इंस्टाग्राम का जो भी पासवर्ड है वो आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद नीचे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन है डिलीट योर अकाउंट का। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर दिया, और नीचे देख सकते हो ऑप्शन है डिलीट और आपका जो भी यूज़र नेम है वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड सिंपली टाइप करने के बाद डिलीट का जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कॉन्फर्मेशन पेज आएगा, यहाँ पर आप लोगों को ओके कर देना है। और यहाँ पर ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जो भी अकाउंट है वो डिलीट का जो कॉन्फर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुका है, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। 30 डेज का टाइम लगता है, उसके अंदर फिर से आप लोग अगर इसी यूजर नेम और इसी पासवर्ड से लॉग इन करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कीप अकाउंट का। अगर आप माइंड चेंज करते हो कि ये अकाउंट फिर से मुझे रखना चाहिए तो 30 डेज के अंदर अगर आप लॉगिन करते हो तो फिर से आप इस अकाउंट को चला सकते हो। और अगर आप 30 डेज तक इस अकाउंट पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं करते हो इससे,
तो आपका इस अकाउंट 30 डेज के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझको देख सकते हो तो डेट दिया गया है इंस्टाग्राम की तरफ से 30 डेज का। 30 डेज के अंदर मैं अगर चाहता हूँ तो इसको मैं रख सकता हूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा।